तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे एनएससी बीएससी में लिस्टेड केमिकल सेक्टर के स्टॉक को लेकर के। और अगर हम लोग बात करें मार्केट कैप की, तो 11,859 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। करंट प्राइस चल रहा है 895 रुपये का, हाई लगा चुका है 1211 का, लो है 778 रुपये का। स्टॉक पी 84 है। स्टॉक पी के हिसाब से ये स्टॉक महंगा हो चुका, और इंडस्ट्रीज पी के हिसाब से ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा हुआ है। बुक वैल्यू है 154 रुपये की। कंपनी डिविडेंड यील्ड नहीं पे आउट कर रही है। आरओसी 18% चार हुई है, 15% दोनों ही लाजवाब है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। दोस्तों कहा जाता है जिन भी स्टॉक्स के अंदर फेस वैल्यू 10 रुपये होता है, उन स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा चांस रहता है स्प्लिट्स मिलने का। प्रमोटर के पास 81% की होल्डिंग है, जो कि बहुत ज़्यादा लाजवाब होल्डिंग है। डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.01 है। मतलब कंपनी के पास कर्ज है ही नहीं, मतलब ना के बराबर कर्ज है कंपनी के पास। 130 करोड़ का इनको एनुअली प्रॉफिट हो रहा है। 17 करोड़ का मात्र कर्ज है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 15%। ईपीएस 11 रुपये की। फ्री कैश फ्लो 363 रुपये निगेटिव में। प्लस परसेंटेज बिल्कुल जीरो है। यानी कंपनी के प्रमोटर की तरफ से 1% की होल्डिंग के भी नहीं रखा गया प्रमोटर की तरफ से। आ जाए अगर हम लोग प्रोस के पास, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ बना जा रहा ना कि बाय और सेल करने के लिए। अगर आप बाय और सेल करते हैं तो आप अपने रिस्क पर बाय और सेल करके चल सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के बाय और सेल कर सकते हैं। अगर पॉज देखें तो कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी 5 सालों के अंदर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 75% का ला रही है। आरओई ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर में 25% है, बहुत ही लाजवाब है। आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के पास, देखते हैं क्या कंपनी की परफॉर्मेंस। सितंबर वाले क्वार्टर में कंपनी को 46 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट आया। जून में 45 करोड़ का आया, वही पिछले साल सितंबर में 37 करोड़ का प्रॉफिट आया हुआ था, जून में 42 करोड़ का है। तो कंपनी क्वार्टर वाइज काफ़ी लाजवाब परफॉर्मेंस करके चल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 38 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी के पास सितंबर में। जून में 30 करोड़ का आया हुआ है, पिछले साल 27 करोड़ का आया था सितंबर में, जून में 31 करोड़ का आया था। तो पिछले साल की अपेक्षा ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके चल रही कंपनी क्वार्टर वाइज, चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर क्वार्टर नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉसेस ईयरली बेस पे चेकआउट करें तो TTM में हम देख सकते हैं 198 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2023 में, 186, 2022 में 159, 2021 में 112, 2020 में 72। तो कंपनी ईयर एंड ईयर वाइज काफ़ी लाजवाब परफॉर्मेंस करके चल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 141 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी के पास TTM में। 2023 में 130, 2022 में 109, 2021 में 71, 2020 में 40। तो कंपनी क्वार्टरली ईयरली बेस पे परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब करके चल रही है। डिविडेंड आपको नहीं पे आउट करती है कंपनी। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो TTM में 13% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ TTM में 29%। इश्यू प्राइस CGR 3%। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है। तो 12 महीनों का अंदर के डेटा है जो भी बहुत ही बेहतरीन है। आते हम लोग बैलेंस शीट की तरफ, देखते हैं क्या है कंपनी का रिजर्व। तो 1914 करोड़ का रिजर्व है, और इनका रिजर्व ना हर साल इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। वहीं कर्ज की बात करें, बोरोइंग बात करें तो अभी 17 करोड़ का मात्र कर्ज है कंपनी के पास, बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं है, ना के बराबर कर्ज है। कैश फ्लो 7 करोड़ निगेटिव में। नेट कैश फ्लो 84 करोड़ का कंपनी के पास। ये और आते हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, देख सकते हैं 81% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 1% की होल्डिंग FIs के पास, 11% की होल्डिंग DIs के पास, और 4% की होल्डिंग मात्र पब्लिक के पास, आम जनता के पास है। सोच सकते हो 4% की मात्र होल्डिंग आम जनता के पास है। तो इस स्टॉक को अपने नज़रों में आकर के रखा जा सकता है फंडामेंटल वाइज, जिस तरह से कंपनी की फंडामेंटल है। कंपनी का नाम बता दें, इस स्टॉक का नाम है एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लेकिन बता दें दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है अपस्टॉक और एंजल वन का, किनका अपस्टॉक और एंजल वन दोनों का लिंक दिया गया है। तो वहाँ जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, और आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टार्ट करके चल सकते हैं। तो स्टॉक का नाम एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। कंपनी कामकाज क्या कर रही है,
तो 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एथर इंडस्ट्री लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलिस्ट केमिकल एंड कंपनी इज सोल इंडिया मैन्युफैक्चरर ऑफ केमिकल सच एज फोर मैंथो फोर टू मैंथलोइन फिनॉल 4-MEP थाइफेन 2-एथनॉल थाइलोन बेंजोन नाइट्रेट ऑक्टली डी ग्लाइक्योमीन डेल्टा वेलोरेनेट क्लेटोन। तो ये सारी केमिकल्स कंपनी तैयार करती है। तो अगर हम कंपनी के फंडामेंटल देखें तो देखा जाए तो कंपनी के फंडामेंटल वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी, क्वार्टरली ईयरली बेस से परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब है। प्रमोटर के पास काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, पब्लिक पास तो होल्डिंग है ही नहीं ये मान के चलो आप। FIs के पास होल्डिंग नहीं लेकिन DIs की होल्डिंग अच्छी खासी है। और स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के हिसाब से स्टॉक देखो स्टॉक पी के हिसाब से स्टॉक महंगा है, थोड़ा सा महंगा नहीं महंगा है, और इंडस्ट्री पी के हिसाब से भी स्टॉक महंगा है। लेकिन टेक्निकल देखा जाए तो टेक्निकल के हिसाब से स्टॉक अभी सपोर्ट के लमसम में है, या फिर एक रेंज बोल सकते हैं, एक रेंज के लमसम में है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। लेकिन ये स्टॉक का प्राइस 784 रुपये के प्राइस भी जब था तब तो और भी बेहतरीन प्राइस हुआ करता था। तो इस लेवल पे अगर हम कहीं अपने नज़रों में बना के रख रहे हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और अगर आप ना इधर का एंट्री ले रहे हो ठीक है, अब अगर आपका मन है कि इधर का एंट्री लेने का तो डेफिनेटली अगर नीचे के लेवल्स पर आए तो एवरेज पक्का करना चाहिए, जिससे कि हमारी बाइंग प्राइस बहुत ही बेहतरीन बन पाए और हम जो भी सॉल्यूशंस निकालें, मतलब कहने का मतलब जो भी हम प्रॉफिट्स निकालें हमारा बेहतर से बेहतरीन प्रॉफिट मिले। तो इस स्टॉक को अपने नज़रों में बना करके रखा जा सकता है। केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स बहुत अच्छा रिटर्न लोगों को बना करके दिए हैं, दे भी रहे हैं ठीक है। कोई भी केमिकल सेक्टर के स्टॉक को उठा लीजिए, बहुत ही अच्छा रिटर्न लोगों को बना करके दिए हैं ठीक है। तो स्टॉक को देखो अभी अभी इनका IPO आया, बहुत ज़्यादा पहले नहीं, 1 जून 2022 में इनका IPO आया अभी भी, और तब से ये अपने पैसे को आपके पैसे को 2 गुना के लमसम किए, लेकिन फिर स्टॉक नीचे परफॉर्मेंस किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्टॉक को अपने नज़रों में करके रखा जा सकता है। कंपनी के बिजनेस शानदार हैं, कंपनी का फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, तो स्टॉक अपने नज़रों में बढ़ा करके रखिए। और कम से कम अगर स्टॉक अंदर एंट्री ले रहे हैं ना, 5 साल का आपका नज़रिया होना चाहिए, लेकिन आपका टारगेट भी कुछ होना चाहिए। जैसे कि मेरा टारगेट क्या रहता है कि 100% के प्रॉफिट पे मैक्सिमम मैं स्टॉक क्या करते हैं, 100% की प्रॉफिट आते ही अपनी कैपिटल को बाहर कर लेते हैं। लेकिन अगर वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो 100% की प्रॉफिट आने के बाद तो हम लॉक होल्ड करते हैं 200% के लिए। जैसे कि 100% की प्रॉफिट आई तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कंपनी को फंडामेंटल चेकआउट करेंगे दोबारा, और देखा जाएगा कि क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं, अभी इस लेवल से हमें 200% का रिटर्न दे सकता कि नहीं। अगर देता है, अगर देता है तब तो ठीक है, हम एंट्री करके चले जाएंगे। आ मतलब एंट्री है उस प्रॉफिट को होल्ड करेंगे 200% के लिए। अगर लगेगा कि नहीं नहीं दे सकते तो फिर अपनी कैपिटल को वहीं निकाल सकते हैं ठीक है। मतलब कहने का ये, पहला बार आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 100% की प्रॉफिट आती है, अपनी कैपिटल को बाहर कर सकते हो। अगर आप कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका कि मैं जो भी इन्वेस्टमेंट करते 200% तक का भी रिटर्न देते हैं, तो आप 200% का रिटर्न आने के बाद ही अपनी प्रॉफिट को निकाल सकते हो ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम काम काज करके चल सकते हैं। और एक बात याद दिला दें कि हम कोई से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हमारी कही हुई सारी बातें गलत हो सकती हैं। तो इसलिए जब भी आप बाई और सेल करें तो स्टॉक मार्केट के अंदर तो उससे भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, उसके बाद ही बाई और सेल करें। रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए एंड करें, अदरवाइज थोड़ा सा दूरी बना के रखने में फलाई है। मिलते हैं दोस्तों ने वीडियो में, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज बनाया जा रहा ना कि बाई और सेल करने के लिए। अगर आप बाई और सेल करते तो आप अपने रिस्क पर बाई और सेल करके चल सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर बाई और सेल कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ने वीडियो में, बाय।